तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां एक तरफ प्रदेश में लंपी वायरस गोवंश पर कहर बनकर टूट रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी जयपुर में लंपी पीड़ित गोवंश खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो ये है कि सब कुछ देखते हुए भी जिम्मेदार अनदेखा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के मुख्य मार्गों पर खुले में घूम रहे लंपी पीड़ित गोवंश की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि आमजन भी इसे लेकर बेफिक्र ही नजर आता है। शहर के दोनों नगर निगम भी इन गायों को इलाज के लिए गौशाला नहीं पहुंचा रहे हैं। वहीं पशुपालन विभाग भी आंखें मूंदे बैठा है। अवैध डेयरी संचालकों ने तो इन गायों को खुले में छोड़ दिया है। इलाज नहीं मिलने से गायें तड़प रही हैं। लगता है लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर पशुपालक विभाग और नगर निगम के अधिकारी भी खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश की मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े डराने वाले हैं। लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश की मौत का आंकड़ा डराने लगा है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले शहर में रोजाना 30 गायें लंपी से मौत का शिकार हो रही थी, वहीं अब रोजाना 60 से 70 गायें लंपी वायरस की चपेट में आ रही है। मृत गोवंश को समय पर नहीं उठाया जा रहा है। हकीकत ये है कि राजधानी की सड़कों के साथ मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में लंपी पीड़ित गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं। पशुपालन विभाग के अफसरों का तर्क है कि हेल्पलाइन सेंटर पर रोजाना 18 से 20 लोग ही शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में ना तो जनता जागरूक दिख रही है और ना ही पशुपालन विभाग अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।